सो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि हम श्रीनगर से बनाएंगे बैरियर तक का ब्लॉग। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। अभी हूँ श्रीनगर, जो कि एक फेमस टेम्पल है। यहाँ पे बैक में देख सकते हैं, महुआ बाबा के नाम से जाना जाता है इनको। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बैरिया के लिए। तो देखिए, ये जो रूट है वो श्रीनगर चला जाएगा, और बैक में देखिए इधर ये है गंगा पांडे का टोला होते हुए बैरिया तक जाएगा। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए चलते हैं बैरिया। और ब्लॉग में पूरा जुड़े रहिए। और पिछली वीडियो में आप देखे थे कि किस प्रकार से हम बैरिया टू शीतलाद्री गए थे, तो हम ही थे और ये भाई था। तो सोचे थे कि और भी एक दो ब्लॉग बना लूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सो हमारी बाइक हो चुकी स्टार्ट और निकल चुके हैं यहाँ से। इनका नाम है फोन, जो कि यही बाइक चला रहे हैं। तो अभी चलते हैं और आगे बात हमसे करेंगे। आएगी कुछ दूरी पे जाने के बाद थोड़ा आगे रुक लेना वहाँ पे। दिखा रहे हैं आपको कि रानीगंज आप किस प्रकार से जाएंगे, मतलब श्रीनगर से जाते हुए बैरिया से पहले रानीगंज के लिए एक मोड़ आता है। तो ये देखिए, चलते रहिए आप, चलते रहिए। ये जो मोड़ दिख रहा है, इधर से आप चाहें तो रानीगंज निकल सकते हैं, और ये जो रूट दिख रहा है, इधर से आप बैरिया जा सकते हैं। तो इसी रूट से हम चल रहे हैं, क्योंकि आगे जाने पर हाईवे है, तो हाईवे से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे बैरिया तक। तो चलिए यूनियन तक जुड़े थे ब्लॉक में और मजे लीजिए ब्लॉक। देखिए यहाँ से ये जो इधर का रूट है, ये चला जाएगा आपको रानीगंज लेकर के, और इसी रूट से हम आगे जाएंगे। तो बैरिया वाला मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं हम। देखिए कुछ दूर बाद आएगा हाईवे, और हाईवे से होकर चलेंगे। और ये है देखिए, बहुत अच्छा टेम्पल है, जो कि गंगा पांडे का टोला गाँव में ही पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं और हाईवे पर बात करते हैं आपसे। यहाँ से 100 मीटर दूर दिखा रहा है हाईवे। तो चलिए देखिए, वो जो बाइक दिख रही है वहीं से हाँ हाईवे पर स्लो करके फिर चलना है। और यहाँ से ये जो रूट दिख रहा है, ये रेवती के साइड में चला जाएगा, और जिधर हम लोग जा रहे हैं ये है बैरिया की साइड, और इसी रूट से हम चले जाएंगे बैरिया। चलिए ब्लॉग में अंदर जुड़े रहिए, चलते हैं भाई। चलते दिख रहा है तो इधर चले जाएंगे तो बलिया वाला रूट में चला जाएगा। देखिए हल्दी बलिया वाला रूट में, और इधर से आगे जाएंगे तो बैरिया वाला रूट में। तो देखिए हम लोग का बैरिया जाना है अभी। ये है पेट्रोल टंक, जो कि बैरिया से बाइक 200 मीटर पीछे है। तो देखिए यहीं से आगे जाएंगे अभी। देखिए ये पेट्रोल टंक से आगे जाएंगे तो बैरिया यहाँ से 200 मीटर और दिखा रहा है। चलिए उसके बाद बैरिया टू बलिया का रूट भी दिखा देंगे आपको, और बस स्टैंड कौन सा है ये भी दिखाएंगे आपको, बैरिया बस स्टैंड। सो अब आपको मेन गेट दिख रहा होगा, जो कि बैरिया का मेन गेट है श्रीनगर से आते समय में, और ये मेन गेट पड़ता है, तो इसी से एंट्री करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं अभी, और सो आप देख सकते हैं कि इस साइड में जो टेंपल दिख रहा है, इसी साइड से आप बैरिया से बलिया तक जाते हैं। कभी भी गए भी होंगे, और नहीं गए हैं तो जान लीजिए। और इधर बैरिया, देखिए यह है चेक पोस्ट, जो कि नया में रोड बनने के बाद इधर रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, बट अभी सुधर चुका है। चलिए चलते हैं, आ चुके हैं बैरिया को शुरू करते हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं बैरिया, जो कि देखिए अब सामने एक रूट दिख रहा होगा। अगर यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो चला जाएगा कहाँ, लालगंज वाले रूट में, और फिर इधर है बैरिया। देखिए इस साइड है बैरिया और इस साइड है लालगंज, तो लालगंज हमें जाना नहीं है, बैरिया में ही फिलहाल जाना है। तो देखिए अभी बैरिया लिखा हुआ आ रहा होगा, एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको। देखिए बोर्ड दिख रहा है बैरिया लिखा हुआ। यहीं से अब हम आगे जाएंगे तो बस स्टैंड भी आएगा। बस स्टैंड तक अपना ब्लॉग ख़त्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर से हम। यही है अपना बैरिया, जो कि बहुत ही मस्त बन चुका है यार। पहले रोड रोड अच्छा नहीं था, बट अब बन गया है। उसके बाद में आया हम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहीं से ब्लॉग खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आपको बलिया के लिए और हल्दी वल्दी के लिए और छपरा तक के लिए भी, माझी उजी सब के लिए यहाँ से बस मिल जाएंगी, ऑटो ऑटो भी मिलती है, चलती हैं। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।